हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी हम बनाएंगे अपनी सेकंड चैप्टर की वीडियो, जिसमें पूरी रीडिंग करने के मैं ट्राई करूँगा ताकि आप इसको आसानी से समझ सको। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, उसके बाद जो लाइव क्लास का सेशन होगा उसमें आप अपने डाउट्स को आराम से ले सकते हो। तो इसको देखते रहें, समझते रहें बड़े ही ध्यान से, अपनी पेंसिल को साथ में लेके बैठें ताकि आप कोई भी डाउट हो तो आप उसको मार्क कर सको और बाद में पूछ सको। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखो, आप कई टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हो अक्सर, और वो अलग अलग तरीके से आप कहते हो कि भाई ये तो बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, ऐसा कुछ आप बोलते रहते हो। हाउएवर, देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। लेकिन इन पेड़ पौधों एनिमल्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे आस पास हैं लेकिन हम देख नहीं पाते। और हर एक ऐसे जीव को जिसको हम नॉर्मली नहीं देख पाते या जिसको हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है, उसको बोलते हैं माइक्रोब। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने अक्सर देखा होगा बरसात के मौसम में जो मॉइस्ट ब्रेड होता है, मॉइस्ट ब्रेड का मतलब ऐसा ब्रेड जो नमी सोजिश में सोख रखी हो, गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। वो ब्रेड ख़राब हो जाता है और उसके ऊपर ग्रे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। आप उन पैचेस को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व द पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से अगर आप उनको देखोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पर छोटी छोटी काली काली गोलियों जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। डू यू नो वाई दिस स्ट्रक्चर एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम। पता है क्या होती हैं और कहाँ से वो आई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको बोलते हैं। इसके बाद आगे है आपका, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट। जब आप देखोगे मिट्टी को और पानी को तो क्या लिखा है, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट द वाटर एंड द सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। टीनी का मतलब है बहुत छोटे, इसको टीनी बोलो या टाइनी बोलो या आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटे। दाउ नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बस छोटा है तो आप उसको माइक्रोब बोल दोगे। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बीन सीन विद द अनएडेड आई। ये इतने छोटे होते हैं कि आप उसको बिना किसी डिवाइस की हेल्प के, मतलब नंगी आंखों से, मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख पाओगे। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड, जैसे फंगस है जो ब्रेड पर ग्रो करती है, कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से, इसको बोलते हैं अपना मैग्नीफायर या लेंस जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी आता है, उसे देख सकते हो। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए काफ़ी एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप आपको चाहिए होता है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब, क्योंकि हाँ इतने माइक्रो हैं, इतने छोटे हैं कि हम इनको देख ही नहीं पाते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इंटू फोर मेजर ग्रुप। चार मेजर ग्रुप हैं, एक तो आपका बैक्टीरिया है, दूसरा आपका फंगस है, तीसरा प्रोटोजोआ है, और इसके अलावा एल्गा। सम ऑफ दीज आर कॉमन माइक्रोब आर शोन इन द फिगर। कुछ कॉमन जो हैं आपके फिगर्स में नीचे दिखाए गए हैं वो हम देखेंगे अभी। वन सेकेंड, वायरसेस का यहाँ पर जिक्र हुआ है। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत छोटे होते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भले ही ये बहुत छोटे होते हैं साइज में औरों के जैसे, लेकिन प्रॉपर्टी में उनसे काफ़ी अलग होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। अब बैक्टीरिया फंगस वगैरह तो बाहर किसी भी सामान पर ग्रो कर सकती है, लेकिन वायरस को ग्रो करने के लिए होस्ट की बॉडी चाहिए, कोई एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। उस लिविंग के अंदर घुस करके क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है अपने जैसे और स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, अपने बच्चे पैदा करना, विच मे बी कॉल्ड ए बैक्टीरियम और प्लांट और एनिमल। अब हो सकता है कि वो जो होस्ट है ना, वो एनिमल हो, कोई प्लांट हो, या कोई बैक्टीरिया हो। मतलब वायरस इतने छोटे होते हैं कि वो बैक्टीरिया को भी बीमार कर सकते हैं। वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन ऐलमेंट लाइक कोल्ड, अब कुछ ऐलमेंट होती है, कुछ परेशानियाँ बीमारियाँ, जैसे कि कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, कफ है, आर कोस्ड बाय वायरस। ये खांसी जुकाम बुखार होते हैं, ये वायरस की वजह से होते हैं। आजकल भी आप बोलते हो कि भाई वायरल चल रहा है, तो वो वायरस से हुआ है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आल्सो कोज बाय वायरस। कुछ खतरनाक बीमारियाँ लाइक पोलियो वगैरह भी वायरस से होती हैं।
डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, जो पेट ख़राब होना होता है आपका, या मलेरिया, तो आपको पता होगा मच्छर काटने से होते हैं, कोज बाय प्रोटोजोआ। अब देखो होता क्या है, जब आपको मच्छर काटता है तो मतलब उसकी बॉडी के अंदर पहले से क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट बोले तो प्रोटोजोआ है, और वो प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में आ जाता है जब मच्छर आपको काटता है। मच्छर आपका खून चूसने से पहले अपनी लार को, अपने थूक को आपकी बॉडी में डालता है ताकि आपका खून जमे ना, ठीक है। वेयर टाइफाइड टीबी आर, टीबी बोले तो ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, टीबी और ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, आपका टाइफाइड। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7th एंड 8th, कुछ आप 7th 8th में भी पढ़ने वाले हो। ये डायग्राम्स हैं, इनके ऊपर बैक्टीरिया है पिंक ब्लू में, ये आपके प्रोटोजोआज है, एक साइड आपकी एल्गाज है, नीचे आपका ब्रेड मोल्ड पेंसिलियम वगैरह है, नीचे फिर आपका वायरस। अब क्वेश्चन आ गया, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये कहाँ पर रहते हैं, मतलब जिंदा कहाँ रहते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गा एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्ड। अब ये सिंगल सेल्ड मतलब एक जीव एक सेल के भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे ग्रुप में भी आपको पाए जा सकते हैं बड़े गुच्छे के अंदर। सच एज मैनी एल्गा एंड फंगी, जैसे कि कुछ एल्गा और फंगस होती हैं, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। कौन? माइक्रोब्स, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, चाहे वो टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो बर्फीला, या फिर बिल्कुल गर्म हो, या फिर सूखा रेगिस्तान हो, चाहे फिर वो दलदल से भरे इलाके हो, मार्शी लैंड को बोलते हैं दलदली इलाके। स्प्रिंग्स होते हैं आपके झरने, गर्म पानी के जो झरने या सोते होते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, अब इंसानों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, और हमने बताया था कि भाई इवन बैक्टीरिया के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ ऐसे होते हैं जो और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले भी रह सकते हैं। अब बात करेंगे हमारे चारों तरफ की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल हैं लेकिन कुछ हमारे लिए नुकसानदायक हैं। जो नुकसानदायक हैं वो कौन से हैं, और फ़ायदेमंद है वो कौन से, भी देखते हैं। फ्रेंडली की पहले बात कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज़, काफ़ी अलग अलग इनके इस्तेमाल होते हैं। पर्पज़ का मतलब होता है फ़ायदा, या मतलब उद्देश्य, अलग अलग उद्देश्य हमारे होते हैं जिसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक, जो दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इस येलो बॉक्स में लिखा है कि अल्कोहल बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑर्गेनिक वेस्ट, अब जो नेचर के अंदर वेस्ट होता है, कोई जानवर मर जाता है या कुछ और अड़ंगा वगैरह पड़ा हुआ है, तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करने का काम भी माइक्रोब करते हैं। अगर आपने देखा होगा, आप किसी पेड़ पौधे को, गाय भैंस बिल्ली को, इंसान को भी, जैसे मुस्लिम्स लोग दबा देते हैं मिट्टी में, तो वो गायब हो जाते हैं वहाँ से, क्योंकि उनको माइक्रोब्स ने खा लिया होता है। आर ब्रोकन डाउन इंटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस, और वो उन चीज़ों को सड़ाकर यूजफुल बना देते हैं। आपने देखा होगा, आप जहाँ पर भी गाय का गोबर या भैंस का गोबर खेत में डालते हो, वहाँ से उस खेत की ताकत बढ़ जाती है, ठीक है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, इस बात को भी ध्यान रखो कि भाई बैक्टीरिया जो है उनका इस्तेमाल दवाई बनाने में भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर, अगर बात करेंगे खेती बाड़ी की, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, मैंने ऊपर अभी बताया, जब आप गोबर वगैरह डालते हो खेत में तो उससे कुछ नहीं होता, जब उस गोबर वगैरह को बैक्टीरिया गला देते हैं, सड़ा देते हैं, डिकम्पोज करते हैं और खेत में उसको मिला देते हैं, तब जा करके खेत की जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ती है, नहीं तो कुछ नहीं होता। इसके अलावा राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, अवेलेबल करता है प्लांट के लिए नाइट्रोजन गैस को। इसके बाद है कर्ड एंड ब्रेड भी बनाए जाते हैं। यू हैव लर्न इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, भाई दूध से दही बनती है, इसको पता होगा, आपने देखा होगा मम्मी को कि जब वो दही डालती हैं रात को दूध में, निवाए से दूध में, गर्म दूध में, ठीक है। तो वैसे ही ये हमारे कुछ फ़ायदे के काम भी कर देते हैं। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रोब्स ऑफ दीज लाइक बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इन टू कर्ड, सॉरी बेटा, ये मल्टीप्लाई करता है दूध के अंदर जाके और दूध को
दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। तो ये चीज़ जो आप खाते हो बर्गर वगैरह पे, वो भी मिल्क प्रोडक्ट है, वो भी बैक्टीरिया ही बनाते हैं। इसके अलावा अचार हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फूड हैं जिनको माइक्रोब की हेल्प से बनाया जाता है। इसके अलावा लाइक आपका रवा, ये डिश होती है रवा, एक सूजी से बनता है। इडली है, भटूरे हैं, इनके अंदर भी दही का इस्तेमाल किया जाता है। क्या सोच सकते हो क्यों? क्योंकि जब आप दही का इस्तेमाल करके इनके आटे को तैयार करते हो, भिगोते हो, तो दही के जो बैक्टीरिया थे वो उस खाने को एक खास टाइप का स्वाद देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन। बैक्टीरिया और यीस्ट से हम फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं राइस और इडली डोसा का बैटर बनाने में। बैटर क्या होता है? जो आप घोल बनाते हो, ठीक है, जो तवे पे डालते हैं ना, फैलाते हैं। अगर आपने शादी में चिल्ला बनते हुए देखा हो या घर पे पूड़ा बनते हुए देखा हो, तो उसे बड़े से तवे पे वो लिक्विड डाला जाता है, फिर वो फैल जाता है, ठीक है, तो उसको बैटर बोलते हैं। अब ये एक्टिविटी, अभी आटा मैदा लो, इसको फुलाओ, देखो, ठीक है, बबल्स बन जाएंगे। बबल्स किस गैस के होंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, और ये उस वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। मतलब अगर आपके बर्तन के अंदर कम सामान था जब आपने आटा भिगोया, और आप उसको ओवरनाइट छोड़ दोगे तो, या 2-3 घंटे छोड़ दोगे तो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद है कमर्शियल यूज़। कमर्शियल बोले तो अपने जो इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, फैक्ट्री टाइप के जो यूज़ हैं उनकी बात। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। सबसे ज़्यादा हमारे देश में या किसी भी देश में शराब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वाइन है या एसिटिक एसिड सिरका है, ठीक है, इनको बनाया जाता है। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट का इस्तेमाल एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए किया जाता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोइंग ऑन नेचुरल शुगर। इसके लिए जो यीस्ट है उसको नेचुरल शुगर्स पे, जो कि ग्रेन्स से, अनाज से या बारले से या गेहूं से या आपका चावल या फिर आपके जूस, जो फ्रूट जूस होते हैं, जो आपके गले सड़े या उबले हुए फ्रूट्स होते हैं, उनके रस पर इसको छोड़ा जाता है, किसको? यीस्ट को, ताकि ये क्या बना सके? अल्कोहल बना सके। एग्जांपल दिया कि 500 ml आप मतलब बेकर लेके, आधा लीटर का, उसको पानी से भर के उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दो और फिर थोड़ा सा यीस्ट डाल दो, उससे क्या होगा? उसकी स्मेल बदल जाएगी। आप स्मेल अगर सूंघ के देखोगे तो वो स्मेल होती है बेटा किस चीज़ की? आपकी अल्कोहल की वो स्मेल रहती है। यहाँ पर लिखा भी है, दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल दैट इज़ कन्वर्टेड इंटू एल्कोहल बाई यीस्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, ये तो मैं लिखवाया भी गया था। लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन नाम की प्रोसेस को डिस्कवर किया था। मेडिसिनल यूज़ की बात कर लेते हैं, भाई क्या इनका दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। कहाँ होता है वो देख लेते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोब्स। व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक। डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को मार सकने में कैपेबल होती हैं। ये आपको कैप्सूल की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में दी जा सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करेंगे तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आपकी एक एंटीबायोटिक है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रोबिज्म। और ये जो पेनिसिलिन है ये माइक्रोब्स के इस्तेमाल से बनी है। दीज मेडिसिनल मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। ये आपका कीवर्ड में भी लिखवाया गया है, ऐसी चीज़ें जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देती हैं या ख़त्म कर देती हैं उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। दिस डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बींग प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगस। अलग अलग बैक्टीरिया फंगस से नई नई आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बनाई जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रीसाइक्लिन है या फिर एरिथ्रोमाइसिन है। ये कुछ कॉमन हैं जो हम नॉर्मल घरों पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब डॉक्टर हमें अक्सर दे देता है। कॉमनली इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक इनको हम कॉमनली बोलते हैं। दे आर मेड फ्रॉम फंगस एंड बैक्टीरिया, जो कि फंगस या बैक्टीरिया से बनती हैं। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज फॉर क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज। इनको खास तरीके से बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है वैरायटी ऑफ डिजीज के। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स विद द फीड। मिक्स विद द फीड का मतलब क्या है? जब आप अपने गाय भैंस जानवर कुत्ते बिल्ली को खाना देते हो तो उस खाने को फीड कहा जाता है, तो वो उसके अंदर भी फीड के अंदर मिलाई जाती है ताकि जानवरों को दी जा सके। पोल्ट्री के जानवरों को भी दी जाती है। अब देखो बेटा, जो डेयरी रखते हैं
डेयरी बनाते मतलब डेयरी का किए हुए हैं, 10-12 टाइप के जानवर हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके जानवर बीमार हो। ठीक है, किसी का पोल्ट्री फार्म है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार मुर्गियाँ हैं, तो वो नहीं चाहेगा कि वहाँ पर कोई भी मुर्गी बीमार होके इन्फेक्शन फैले। ठीक है, तो वो पहले ही खाने में उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। जैसे आजकल की बात करें, कोरोना चल रहा है तो कहा जाता है कि भाई गिलोय का काढ़ा सब पीते रहा करो, एक आधी पैरासीटामोल खाते रहा करो। किस लिए? क्योंकि देखो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर बच जाओगे तो बचे रहोगे, लेकिन अगर एक बार बीमारी हो गई तो वो बीमारी अपना पूरा जोर दिखाएगी बॉडी पे, उसके बाद आपको कमज़ोर करेगी और फिर ठीक होगी। अगर भगवान ने शुक्र किया तो आप बच जाओगे, नहीं तो जो हालात चल रहे हैं बेटा बड़े बुरे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जानवरों को पहले दी जाती हैं दवाइयाँ, इवन इंसान भी ले सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। ये प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करते हैं कौन? एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन की बात करते हैं, व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर इन आवर बॉडी। अगर देखो, वैक्सीन क्या होती है, एक डिजीज कैरिंग माइक्रोब को बॉडी में घुसा जाता है तो एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, ताकि इन्वेडर से लड़ाई की जा सके। इन्वेडर कौन हो जाएगा यहाँ पर? जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में घुस रहा है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर। और देखो, अगर आप किसी का घर जाते हो तो आपको रास्ता याद रहता है, तो बिल्कुल वैसे ही जब आपने किसी को हराया होगा तो आपको वो भी याद रहेगा। तो जब हमारी बॉडी किसी को हराती है तो उसको फाइट करने का तरीका याद रहता है। ठीक है, और अगर वो दोबारा अंदर घुसेगा तो उसको मार दिया जाएगा। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इन टू हेल्दी बॉडी, अगर कमज़ोर मरे हुए वायरस बैक्टीरिया को बॉडी में डाला जाएगा तो क्या होगा? द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। वो बॉडी में घुसने वाले बैक्टीरिया को मार देगा बाय प्रोड्यूसिंग सबस्टेबल एंटीबॉडीज़। क्योंकि बॉडी को पता है, देखो अगर आपने पहले वैक्सीन लगवा ली जैसे कोविड की है, अब आपकी बॉडी को कोविड के वायरस से लड़ना आता है। अगर दोबारा से आपको कोविड का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में घुसते ही कोविड के वायरस को मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, इससे आपकी जान भी बच जाएगी और अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो आपको बुखार वगैरह में काम चल जाएगा। द एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी। और एंटीबॉडी हमेशा हमारी बॉडी में रहती हैं और हमें फ्यूचर में बचाती हैं बीमारी से। ठीक है, फॉर द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर, वो हमें हमेशा बचाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, एक बार जिस बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाए या माथा निकल जाए तो वो दोबारा चपेट में नहीं आता। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा, TB, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन भी प्रिवेंट बाय द वैक्सीनेशन। आप तो अगर छोटे हो अभी भी, लेकिन आपके छोटे भाई अगर जोर छोटे होंगे तो देखा होगा उनको हर महीने, 2 महीने में, 3 महीने में इंजेक्शन लगते हैं। वो सभी वैक्सीन होती हैं अलग अलग बीमारियों की। उनको बचपन में ही वैक्सीनेट कर दिया जाता है ताकि उनको फ्यूचर में बीमारियाँ ना हों। तो इस तरीके से जो बेटा आपकी वैक्सीन से वो वर्क करती हैं हमारी जान बचाने में। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिजीज लाइक कोलेरा, TB वगैरह वगैरह क्या इस बीमारी से बचाई जाती हैं। ये जो मैंने अभी बात बताई थी वही बुक में भी रिपीट की जा रही है। बचपन की बात है, जब आप छोटे थे। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। आपको अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए इंजेक्शन दिए गए थे। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स। क्या आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके इनकी लिस्ट बना सकते हो? तो बनाना ज़रूर। ठीक है, अगर किसी के घर में छोटा बेबी है तो उसकी एक कॉपी बनी होती है जो कि हॉस्पिटल या आंगनबाड़ी से बनाई जाती है, उसमें टीके का नाम लिखा होता है, तो आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हो। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। ये बच्चों को बचाने के लिए होती हैं और जितनी भी ज़रूरत की बीमारियों की दवाइयाँ होती हैं वो आपके आसपास के हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन TV एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द प्लस पोलियो प्रोग्राम। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन को प्लस पोलियो रविवार के बारे में बताते हुए। पोलियो ड्रॉप एक वैक्सीन होती है एक्चुअल में, जो आपको पोलियो की बीमारी से बचाती है। बेटा पोलियो की बीमारी अब इंडिया से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब कोई भी नया केस इंडिया में पोलियो का नहीं है, क्योंकि हमने बड़े ही अच्छे तरीके से सबको वैक्सीनेट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम सबको कोविड की दवाई से भी वैक्सीनेट कर देंगे तो हम सब
आने वाले टाइम में इस बीमारी को हरा पाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स ने मेडिसिन नहीं लगवाई है तो आप उनको बोलो, अब तो आपके बड़े भाई बहन भी लगवा सकते हैं। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज इनिशियली लीड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉल पॉक्स को भी विश्व में लगभग ख़त्म ही किया जा चुका है, तो स्मॉल पॉक्स की बीमारी की भी वैक्सीनेशन सबको दी जा रही है। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रोब्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज। आजकल माइक्रोब्स की हेल्प लेते हुए हम बहुत सारे टाइप के मेडिसिन क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम इंसान को बचा सकें आने वाली बीमारियों से और जानवरों को भी। अगर आपके घर में कुत्ता है, आप कुत्ता पालते हो, तो आप कुत्ते को भी टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगवा के लाते हो ताकि वो बीमार ना हो आने वाले टाइम में। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियाज को। दे आर सम बैक्टीरिया वॉज आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके नेचर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को प्लांट के लिए अवेलेबल करते हैं। अवेलेबल करने का मतलब है उसको ऐसे कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिनको प्लांट ले सके। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे आपकी मम्मी कच्ची सब्जियों को आपके खाने लायक बनाती है ना पका के, तो वैसे ही कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो नेचर की नाइट्रोजन को, जो एक कच्ची सब्जी की तरह होती है, उसको कन्वर्ट करती है ऐसे प्रोडक्ट में जिससे कि प्लांट उनको यूज कर सके। दीज माइक्रोब आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर, और ऐसे जानवरों को सॉरी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है जो प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं उनकी ग्रोथ में। इसे दिखा रखे नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा इसको कहा जाता है। अभी 6 पेज में 15 हैं तो इसकी 2-3 वीडियो बनेंगी, वो मैं बना के भेजता रहूँगा। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट वाला टॉपिक और पढ़ लेते हैं, इसके बाद हार्मफुल अगली वीडियो में बनाएंगे। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट पे कैसे सफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म। बुजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व दैट स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर अलोंग विद देयर फ्रेंड दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट। जो भी आपके जैसे आपका स्कूल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, डेली के बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, फूल टूटते हैं, टहनियाँ टूटती हैं, ठीक है, या वेजिटेबल्स वगैरह हैं, या खाना है, या फ्रूट है, कुछ भी जो है, वो सारे के सारे सामान को इकट्ठा करके क्या करते हैं, दे पुट देम इन ए पिट, वो एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर दबा देते हैं और ढक देते हैं। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर, और कुछ टाइम बाद वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर के अंदर। मैन्योर आपके क्या होते हैं ये हम टर्म्स में डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे नेचुरल कंपोजिट जो फसलों को ताकत प्रदान करते हैं, मिट्टी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनको बोलते हैं मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन, वो चाहती है पता लगाना कि कैसे हुआ। तो फिर वही एग्जांपल है, अभी आप भी कर सकते हो, अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप खुद से गड्ढा खोदो, आज ही आप खोद देना शाम को सूरज ढलने के बाद, मतलब जब ठंड हो जाए शाम को, और उसके अंदर अपने घर की जो जैसे आपकी मम्मी ने सब्जी छील ली तो उसके छिलके 3-4-5 दिन तक उसको भरो, आप सब्जी के छिलके डाल दो, गला सड़ा फ्रूट डाल दो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप उसके अंदर डाल सकते हो जो ऑर्गेनिक हो, जो रसोई से निकली है, चाय पत्ती वगैरह भी डाल सकते हो, और जब वो गड्ढा आपका भर जाए या आधा पौना हो जाए तो आप उसको मिट्टी से ढक देना, ठीक है, और जब आप उसको ओपन करोगे, मतलब 10-15-12 दिन बाद ओपन करोगे, तो आप पाओगे वहाँ पर मिट्टी बिल्कुल काली काली सी हो चुकी है, वो सब कुछ गल सड़ चुका है, और वहाँ की जो मिट्टी होगी बेटा वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, और फिर आप वहाँ कोई पौधा लगाओगे तो उसकी ग्रोथ और पौधों से ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो करना और बताना मुझे, और जब आप बना लो तो उसकी फ़ोटो भी शेयर करना कि जैसे एक तो जैसे आज आप कचरा डाला आपने छिलके वगैरह सब्जी वगैरह के, प्याज के, घी या तोरी के, ठीक है, उसका फ़ोटो लेना कि भाई बिफोर, और फिर जब वो बन जाए तो लेना आफ्टर। इसके बाद है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द टू पॉट, देखना भी क्या फ़र्क है, एक के अंदर प्लास्टिक दबा देना, एक के अंदर अपना ये ऑर्गेनिक सामान दबाना, दो गड्ढे बनाना, ठीक है, तो देखना 10-15 दिन के बाद अगर आप इनको देखते हो, इन्होंने तो 3-4 हफ्ते बोले हैं, तो आप 15 दिन के बाद देख लेने के बाद क्या कोई फ़र्क पड़ा है, आपको फ़र्क दिख जाएगा। द प्लांट वेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो चुका होगा मैन्योर के अंदर, लेकिन जो प्लास्टिक वेस्ट है वो ऐसा ही पड़ा होगा। द न्यूट्रिएंट रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट अगेन, और इस तरीके से जो आसपास के पौधे होंगे वो गले गले सड़े सब्सटेंस से बनने वाली एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे।
डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी द पॉलीथीन बैग, जिसके अंदर आपने पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल, प्लास्टिक टॉयज डाले थे, वो बिल्कुल वैसे के वैसे मिलेंगे। द माइक्रोब कुड नॉट एक्ट, वो उनको नहीं खा पाए, क्योंकि माइक्रोब ओरिजिनल और ऑर्गेनिक चीज़ें ही खाते हैं, ना कि प्लास्टिक कचरा। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड सम टाइम डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड। कई बार आपने कोई जानवर की लाश देखी होगी या काफ़ी सारा कचरा पड़ा कहीं पर देखा होगा। यू फाइंड दैट द डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, ये चीज़ें कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनको क्या किया, ख़त्म कर दिया खा के। डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग दैम इन टू सिंपल सब्सटांस, और उनको सिंपल सब्सटांस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन कार्बन वगैरह के अंदर, ताकि प्लांट उनको यूज कर सकें। दीज सब्सटांस आर अगेन यूज बाई अदर प्लांट, बाकी प्लांट उनको इस्तेमाल कर लेंगे, एनिमल कर लेंगे। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज फॉर डिग्रेडेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटांस। तो इस तरीके से आप माइक्रोब्स को नेचर को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसे कह सकते हैं कि द क्लीन एनवायरनमेंट। बेटा ये आपकी एक वीडियो थी आज, इसको देखना, इसमें जो भी डाउट्स हों वो आप क्लास के बाद पूछना, और अगली जो क्लास होगी आपकी उसके अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी मिल जाएगी। जब तक के लिए इस चैप्टर को समझें, कीवर्ड्स दे रखे हैं वो याद करें, नोटबुक अपनी प्रिपेयर किए। ओके, थैंक यू।